कोरोना विस्फोट को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों में रहना होगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य की इजाजत नहीं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, स्पा और जिम बंद रहेंगे। पाबंदियों के साथ लगेंगे साप्ताहिक बाजार। दिल्ली में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 16,699 नए मामले सामने आए। 112 लोगों की हुई मौत। दिल्ली पुलिस के जवानों पर कोरोना का कहर। अप्रैल महीने में अब तक 390 पुलिस वाले संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली से नोएडा आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई का निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला। दिल्ली की सीमा पुलिस है आए दिल दहला देने वाली तस्वीरें। जगह नहीं होने से शमशान की सीढ़ियों पर शवों को जलाना पड़ रहा है। दिल्ली के निगम बोध घाट में शवों को जलाने के लिए लंबी वेटिंग। शमशान घाट पर शवों की लंबी लाइन। दिल्ली के सबसे बड़े जदीद अहले कब्रिस्तान में कोरोना से हो रही मौतों के बाद हालात भयावह। बीते 10 दिन में 80 से ज्यादा शवों को दफनाया। कब्रिस्तान में जगह पड़ने लगी है कम। लखनऊ के बैंकुट धाम शमशान घाट से आई भयावह तस्वीर। एक साथ जल रही है कई चिताएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लगातार हो रहे हैं अंतिम संस्कार। वाराणसी से विचलित करने वाली तस्वीर आई सामने। अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लंबी लाइन लगी। हरिश्चंद्र घाट की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मामले सामने आए। 114 मरीजों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने के निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। कोविड मरीजों को एडमिट ना करने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समापन का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला। कुंभ में बढ़ते संक्रमण पर पुलिस महकमा सतर्क। सुरक्षा में लगे जवानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीजीपी ने कहा कि 50% जवानों को हटाने का प्लान। यूपी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विधायक निधि देने का फैसला। कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच फर्जीवाड़े का पूरक धंधा। इंदौर में 400 नकली इंजेक्शन के साथ क्राइम ब्रांच ने एक युवक को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना महासंकट को लेकर जाहिर की चिंता। कहा अगले 15 दिनों या महीने भर में संकट कितना गंभीर होगा ये कोई नहीं जानता। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए अब सरकार मेडिकल ऑक्सीजन करेगी आयात। सरकार 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का बड़ा फैसला। लाल किला और ताजमहल समेत पुरातत्व विभाग के सभी स्मारकों को किया गया बंद। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 61,695 नए केस आए सामने। कौरुना से 349 मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,209 नए केस आए सामने। कोरोना से 50 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पुलिस की ब्रेक द कोरोना चेन मुहिम जारी। कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर रात सन्नाटा। घर से निकलने वालों से सख्ती से निपट रही है पुलिस। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी जारी। बीते 24 घंटे में सामने आए 10,166 नए केस। 15 मरीजों ने तोड़ा था। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। सीएम शिवराज ने दी जानकारी। कहा अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे बेड। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बस्तर में भी सख्ती। 22 अप्रैल तक लागू होगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ किया शहर का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दिया पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सुझाव। ग्वालियर में शराब के नशे में 2 युवकों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर उत्पात मचाया। टेबल कुर्सी तोड़ी और डॉक्टर्स की टीम के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। दोनों गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 6,658 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राजधानी जयपुर में आज 848 नए मरीज हुए दर्ज। मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना को लेकर महामंथन। मीटिंग में चिकित्सा मंत्री समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान में वैक्सीन की कमी पर केंद्र और राज्य सरकार हुई आमने सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री गलत बयानबाजी की जगह वैक्सीन दें। पंजाब हरियाणा हिमाचल में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 4,333 नए केस। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ 5,858 नए केस आए सामने। पंजाब में होम आइसोलेट हुए मरीजों को मेडिकल किट के साथ मिलेगी फूड किट्स। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने किया ऐलान।
पंजाब में पांचवी, आठवीं और दसवीं के छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में किया गया प्रमोट। बारहवीं की परीक्षाओं पर बाद में होगा फैसला। बिहार में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 6133 मामले, पटना में सबसे अधिक 2105। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, आज आला अधिकारियों के साथ फिर करेंगे मंथन। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कोरोना का प्रकोप, एक अधिकारी, दो शिक्षक समेत 7 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 18 अप्रैल तक सील किया गया परिसर। कर्नाटक में कोरोना का विस्फोट, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,738 नए मरीज, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। नागपुर में कोविड अस्पताल से आई डराने वाली तस्वीरें, एक बेड पर दो या उससे ज्यादा मरीज लेटने को है मजबूर। पश्चिम बंगाल में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 6,769 नए मामले, 22 लोगों की हुई मौत। बंगाल चुनाव में रैलियों में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, चुनाव आयोग ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। चुनाव आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेगा, दोपहर 2 बजे कोलकाता में होगी बैठक। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बाकी चरणों के चुनाव एक साथ नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव बाकी। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को 24 घंटे के लिए बैन किया, दिलीप घोष के नॉटी कमेंट के लिए लगाया बैन। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, दुमका कोषागार मामले में दी है याचिका। आगरा में मिनी बस बनी आग का गोला, देखते ही देखते बस जलकर हुई खाक। चंडीगढ़ में टला बड़ा हादसा, चलती बोलेरो में अचानक लगी भीषण आग, बाल बाल बचे कार सवार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।